अलैकुम, क्या हाल है यार? सब ठीक ठाक है ब्रदर? देख लो सारा प्रोसेस कैसे ये ढक्कन पहले इकट्ठे करते हैं। पहले तो वैसे बोतल से उतरते हैं, उतर के फिर ये इकट्ठे करते हैं। इकट्ठे करने के बाद जो अगला प्रोसेस है वो छांटी का होता है। इसमें से सिर्फ वो कोड वाले ढक्कन निकालने होते हैं। इधर लो, ढक्कन सारा इस जगह पे इकट्ठे एक जगह पे करते हैं जितना भी होता है। उसके बाद अगला काम होता है, इसमें से सिर्फ लाल ढक्कन जो कोड वाले हैं वो निकालने होते हैं। कोड वाले ढक्कन निकाल के ये फिर जहाँ जहाँ से टाइप करवाने होते हैं उस जगह भिजवाता हूँ मैं। तकरीबन 2-3 टीमें हैं जिनको देते हैं और वो टाइप करते हैं ढक्कन। उसमें फ्यूल कॉस्ट भी आ जाती है, टाइम वगैरह भी सर्व होता है। इसके बाद टाइपिंग वाला प्रोसेस होता है और एक एक ढक्कन कोड ढक्कन को साफ़ करना, उसमें से कोड देखना, फिर टाइप करना। ये देख लें कितना मुश्किल प्रोसेस होता है। एक तो आप लोग रेट पे करते हैं बहस, और दूसरा अल्लाह माफ़ कर, लोग इतना दाल लगा रहे हैं, फेक कोड ले रहे हैं कि जी ये यूज़ निकला है, ये इनक्रैक निकला है। काफ़ी लोग पकड़े भी हैं लेकिन झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती उनको, अल्लाह माफ़ करें। काफ़ी लोग इस तरह स्कैम वाला काम कर रहे हैं, फिर जो मतलब झूठ बोल के कोड लेते हैं। ना किया करें यार इस तरह।